नमस्कार साथियों, मेरा नाम पारस जुनेजा है। मैं आम आदमी पार्टी का जिला सोशल मीडिया प्रभारी हूं। जैसा कि आप और मैं सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में नूह और मेवात जिले के अंदर कुछ दंगाइयों ने हमारे आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की है। एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों ने हमारा जो भाईचारा है, जो पिछले काफी वक्त से कायम रहा, उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। मैं आम आदमी पार्टी का जिला सोशल मीडिया प्रभारी होने के नाते अपने जिले के सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब के लिंक्स आपके पास आ रहे हो, चाहे व्हाट्सएप के ऊपर जो लिंक्स और इमेजेस और कंटेंट आप लोगों को इस दंगे से जुड़ा हुआ भेजा जा रहा है, उसको बिना फैक्ट चेक करे आगे ना भेजें। और अगर फैक्ट चेक कर भी लिया है, मैं तो अपील करूंगा कि तो भी आगे ना भेजें, क्योंकि हो क्या रहा है, कई लोग इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। दंगाई सिर्फ वो नहीं है जिन्होंने लाठी डंडे तलवारें उठाकर वहां पर दंगा फैलाने की कोशिश की, दंगाई वो भी है जो सोशल मीडिया पर अफरत की राजनीति करते हुए, एक दूसरे को भड़काने की राजनीति करते हुए, भड़काऊ भाषण जैसी वीडियोस को बनाकर या इमेजेस को या कंटेंट को बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। आप और मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं शायद जो हम लोग बिना सोचे समझे उन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कर देते होंगे, लेकिन हम ये सोच नहीं सकते कि उससे कितना बड़ा नुकसान एक समाज को हो सकता है। मेरी आप सभी से अनुरोध है, अपील है, ऐसा करने से बचें। यदि आपके किसी फैमिली ग्रुप में या कोई परिचित व्यक्ति ऐसा करता हो आपको दिखे, तो उसे समझाएं कि वह भी ऐसा ना करे। यदि बार बार समझाने पर कोई व्यक्ति नहीं मानता, चाहे भले ही वो आपका दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, या फिर आपके साथ काम करने वाला कोई सहकर्मी, प्रशासन को इसके बारे में सूचना देने से ना पीछे हटें। तुरंत प्रशासनिक अधिकारी को इस बारे में बताएं, जरूरत पड़ने पर डायल 112 का इस्तेमाल करें और उन्हें बताएं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बार बार इस तरह का जो है नफरत फैलाने की के दृष्टि से भड़काऊ भाषणों को व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।